राजधानी जयपुर में सीआईआई की ओर से पर्यावरण संरक्षण के साथ भविष्य के विकास पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन सुधांश पंत और सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन गौरव रूंगटा के साथ विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें खास तौर से सेवन आवर्स पर चर्चा की गई, जिसमें रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिकवर और रिसाइकिल शामिल है। सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो भविष्य में यही विकास मानव सभ्यता के लिए विनाश साबित होगा। समारोह में ग्रीन कैटेगरी में खरा उतरने वाली औद्योगिक इकाइयों को सम्मानित भी किया गया। चाहे आपने देखा अभी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इस बार मार्च में जिस तरह की गर्मी पड़ी, 40 डिग्री टेम्परेचर गया, वो अप्रत्याशित है और कहीं ना कहीं उस सब का लिंक क्लाइमेट चेंज का पर्यावरण को जिस तरह से धीरे धीरे करके उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसी का वो परिणाम है। तो राजस्थान सरकार और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सतत प्रयास रहते हैं कि हर तरह के पर्यावरण को हो रहे नुकसान को चेक करें, चाहे जल का प्रदूषण हो, पोल्यूशन हो, चाहे वायु का हो, चाहे प्लास्टिक से हो रहा हो। अभी आपने देखा 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे भी बैन होने वाला है। 7 आर एस किया है, ये बहुत ही रेलिवेंट इवेंट है, क्योंकि एज स्टेक होल्डर्स हमको इंडस्ट्री को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्पेशली राजस्थान में हमारे लिए पानी ऐसा सोर्स है जो बहुत ही कम है, और कैसे हम उसको वाटर हार्वेस्टिंग के यूजेस लेके और उसको मैक्सिमम रिसर्कुलेट कर सकें। इंडस्ट्रीज़ को ZLD पे जाना चाहिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, वो जो भी पानी यूज़ करें उसको 100% वापस रीयूज़ किया जाए। राजस्थान में बहुत बड़ा हमारे सोलर का एडवांटेज है, तो सोलर एक ऐसी चीज़ है जो सबको लगा के और अपने मैक्सिमम पावर कंजम्पशन सोलर से करना चाहिए। हमारी बिल्डिंग, ये जो हमने आज ग्रीन अवार्ड्स दिए, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है लोगों को बताने का, कि एक अवेयर करने का कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी बिल्डिंग्स को ग्रीन बनाएं, सस्टेनेबल।